फ्रेंड्स हम बात करेंगे ओप्पो लेकर आ रहा है अपना ए सीरीज में। ओप्पो का A55 5G स्मार्टफोन बहुत ही अच्छे स्पेक्स निकल कर सामने आ रहे हैं। हालांकि ये स्मार्टफोन ग्लोबली तो लॉन्च हो चुका है, लेकिन इंडिया में कब तक लॉन्च होगा, क्या ये स्मार्टफोन 5G आएगा या 4G आएगा, क्या इसकी प्राइस रह सकती है, ये सारे डाउट अगर है तो इस वीडियो के बाद आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो फटाफट से बिना टाइम गवाए हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स बिगिन फ्रेंड्स। बात अगर इसके परफॉर्मेंस से करेंगे तो यार फ्रेंड्स मीडियाटेक 970 का प्रोसेसर मिलेगा, जो कि डेफिनेटली बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है। गेमिंग के लिए पबजी खेलना चाहते हैं आप या फ्री फायर खेलते हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छा जो है ये स्मार्टफोन रहने वाला है। 6.128 का वेरिएंट मिलेगा, तो यानी कि गेम के लिए आपको चिपकेगा नहीं या जो है हैंग नहीं होगा। बात अगर इसके डिस्प्ले की करेंगे तो 6.5 इंचेस की 16Hz के रिजोल्यूशन के साथ डिस्प्ले मिल रही, तो डिस्प्ले भी बहुत ही अच्छी प्रोवाइड करवा रहा है हमें। और गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन 5 के साथ एक स्मार्टफोन आएगा, तो लुकिंग वाइज तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। हालांकि बात अगर इसकी कैमरा सेटअप की करेंगे तो यार फ्रेंड कैमरा सेटअप में थोड़ा कमजोर रह जाएगा ये स्मार्टफोन, क्योंकि 13+2+2 का ट्रिपल रियर कैमरा ही आपको देखने को मिलेगा। हालांकि मेगापिक्सल से कैमरा का कंपैरिजन आपको नहीं करना चाहिए, वो तो स्मार्टफोन ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है कि किस ब्रांड का कैमरा यूज करता है, हालांकि वो अलग टॉपिक है। बात अगर इसके जो है आप सेल्फी शूटर की करेंगे तो 8MP का सेल्फी शूटर देखने को मिलेगा, तो सेल्फी में भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, बहुत ही अच्छे से आप इसे कैरी कर पाएंगे। एंड बात अगर इसकी जो है बात अगर कर लेंगे हम बैटरी की, तो 5000mAh की बिग बैटरी मिल रही है टाइप सी पोर्ट के साथ। चार्जर आएगा इसका आपको तो बहुत ही चार्जिंग आएगा, तो बहुत ही अच्छा जो है स्मार्टफोन आपके लिए रह सकता है। एंड परफॉर्मेंस के बाद अगर बात कर लेंगे इसकी जो है स्टेटस की, ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा तो यार फिर ऐसे रूमर्स हैं कि ये स्मार्टफोन अक्टूबर के लास्ट या सेकेंड वीक में लॉन्च हो सकता है, तो बहुत ही अच्छे से हमें वेट रहेगा कि स्मार्टफोन का कब हमें देखने को मिलेगा। एंड इसके प्राइस की बात करेंगे तो यार फिर अराउंड 15,000 से 16,000 के बीच में ये स्मार्टफोन आएगा। तो अगर आप एक बहुत ही सस्ता स्मार्टफोन 5G लेना चाहते हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छा स्मार्टफोन हो सकता है, तो आप डेफिनेटली इसके साथ जा सकते हैं। तो यार फ्रेंड कैसा लगा वीडियो, वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो या थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखें, क्योंकि मैं लेकर आता रहता हूं आपकी ऐसी लेटेस्ट वीडियो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।